सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, आपको स्वागत है डीएनजी रिव्यूज में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक बहुत ही सस्ते फीचर वाले डिवाइस की, पैनासोनिक P95 की। अरे भाई रुलाओगे क्या, इतने सारे फीचर्स, वो भी सिर्फ 3600 रुपए में। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप इसको जल्दी से खरीद सकते हैं। पैनासोनिक ने इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट के सेल में लॉन्च किया है। यह आपको सिर्फ 3600 रुपए में अवेलेबल है कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद। देखा जाए तो इस प्राइस में ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर को काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। जो भी लोग एक सस्ता फोन लेना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा डिवाइस है, और जो लोग चाहते हैं एक सेकेंडरी फोन जिसके अंदर उनको कुछ फीचर्स भी मिले, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। तो आइए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिवाइस है और हमारे पास इसका ब्लू कलर है। इसके ऊपर हमें स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। 3600 रुपए के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी सही लग रही है। और अगर मैं डिवाइस के डिजाइन की बात करूं तो 141 इसकी हाइट है, 70.5 mm इसकी विड्थ और 7.95 mm इसकी थिकनेस। ये 164 ग्राम्स का है और इसके अंदर आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी मिलती है। डिवाइस देखने में काफी बढ़िया लग रहा है अपने बजट के हिसाब से। आप इसको इजीली हाथ में होल्ड कर सकते हैं, यूज करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली इस रेंज में जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन इसका साइज काफी सही है। इसके अंदर हमें 5 इंच की स्क्रीन मिलती है और उस हिसाब से डिवाइस बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। आइए जल्दी से बॉक्स की बाकी चीजों पर नजर डालते हैं। ये हमारा वारंटी कार्ड और साथ ही क्विक स्टार्ट गाइड। ये हमारा बैक केस, आप देख सकते हैं डिवाइस के ऊपर काफी सही लग रहा है। ये काफी अच्छी चीज है कि इतने कम बजट के अंदर भी आपको स्क्रीन गार्ड भी मिल रहा है और उसके साथ बैक केस भी मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज करी है पैनासोनिक ने। साथ में ये हमें एक ग्रीटिंग कार्ड भी मिला है, जिसपे लिखा हुआ है कि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 5 वॉट का चार्जर है। ये हमारी माइक्रो यूएसबी केबल और ये है हमारे ईयरफोन्स। आजकल कई सारे डिवाइसेस आते हैं 10 से 15 हजार रुपए की रेंज में, जिनमें हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बजट के अंदर भी हमें पैनासोनिक ने ईयरफोन्स दिए, और वो भी इन प्लग ईयरफोन्स जो कि अच्छी क्वालिटी के नजर आ रहे हैं। और साथ में ये है हमारी बैटरी जो कि 2300 mAh की है। आइए इसको फटाफट से डिवाइस पे लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने 2 SIM कार्ड डाल सकते हैं और उसके साथ एक मेमोरी कार्ड। इसके अंदर आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और आप इसके अंदर अपनी जियो सिम भी आराम से यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं डिवाइस के इंटरफेस की बात करूं तो फ्रंट में हमें 5 इंच की स्क्रीन मिलती है, उसके ऊपर पैनासोनिक की बैजिंग, उसके ऊपर ईओपीस, कुछ सेंसर्स और उसके साथ 5 MP का सेल्फी कैमरा। बॉटम साइड में हमारे पास 3 कैपेसिटिव बटन है, जिसमें से एक हमारा होम बटन, एक बैक बटन और एक मल्टीटास्किंग बटन है। डिवाइस के नीचे की साइड हमारे पास माइक है, राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, टॉप साइड में हमारे पास माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, उसके साथ 3.5 mm हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की। बैक बॉटम में हमारे पास 2 स्पीकर्स दिए गए हैं और उसके ऊपर पैनासोनिक की बैजिंग और उसके ऊपर हमारे पास 8 MP का कैमरा है LED फ्लैश के साथ। आइए जल्दी से डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। इस डिवाइस में हमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं कि विश्वास करना भी मुश्किल हो गया है। इसके अंदर हमें ट्रस्टेड फेस एंड ट्रस्टेड वॉइस दोनों मिलते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपना फेस रजिस्टर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा अलग तरीके से इसको डिवाइस को खोल रहा है। जब मैं इसको अपने फेस के सामने कर रही हूँ तो ये मुझसे पिन नहीं मांग रहा, डिवाइस को अनलॉक तो कर रहा है लेकिन आपको अभी लॉक स्क्रीन पे ही रख रहा है। और अगर मैं फेस से हटा के इसको यूज कर रही हूँ तो ये मुझसे लॉक की मांग रहा है, जैसे कि अगर आप इसमें पैटर्न या पिन डालेंगे तो ये वो आपसे डिमांड करेगा। ये काफी अच्छी चीज है। वॉइस रिकॉग्निशन मिलता है, जिसकी मदद से जब आप ओके गूगल कहेंगे तो आपका गूगल ऐप स्टार्ट हो जाएगा और आप उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं सिर्फ बोलने से ही, आपको टाइप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ये काफी बढ़िया फीचर है जो कि हमें इस डिवाइस में देखने को मिल रहा है। अब मैं इसके डिस्प्ले की अगर बात करूं तो हमें मिलता है 5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जिसके अंदर आपको HD रेजोल्यूशन मिलती है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट नजर आ रहा है और ये डिवाइस रन करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8909 क्वाड कोर 1.3 GHz के प्रोसेसर के साथ, जिसके साथ आपको एंड्रॉयड 7.1.2 मिलता है और उसके साथ 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी जिसको आप 128 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू। साथ ही आपको इस डिवाइस के अंदर ऑन बॉडी डिटेक्शन भी मिलता है, स्प्लिट स्क्रीन मिलती है और उसके साथ एक्सेलेरोमीटर मिलता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और उसके साथ वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। आइए जल्दी से डिवाइस की साउंड पे नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं इसकी रिंगटोन की साउंड काफी बढ़िया है। हमें बैक साइड में 2 स्पीकर्स मिलते हैं। अब अगर मैं इस डिवाइस के कैमरा की बात करूं तो बैक में हमें मिलता है 8 MP का कैमरा, फ्रंट में मिलता है हमें 5 MP का और इसके साथ हमें काफ़ी सारे मोड मिलते हैं जैसे कि HDR मोड, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप फिल्टर, स्पोर्ट्स, फ्लावर, बैकलाइट, सनसेट, नाइट, बीच, स्नो और उसके साथ फेस डिटेक्शन, GPS, ISO कंट्रोल, एक्सपोजर कंपनसेशन, वाइट बैलेंसिंग, रेड आई डिटेक्शन और साथ ही कुछ फिल्टर्स। आप देख सकते हैं इसकी फोटोग्राफ्स भी काफ़ी सही हैं। ये सिर्फ 3600 रुपये का डिवाइस है और इसके अंदर हमें कैमरा में फिर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, ये था हमारा पैनासोनिक P95 जो कि देखा जाए तो एक कमाल का डिवाइस है। इसके अंदर पैनासोनिक ने इतने सारे फीचर्स दिए हैं जो कि हमें नॉर्मली डिवाइसेस में भी देखने को नहीं मिलते और जैसे कि ये आपको सिर्फ 3600 रुपये में अवेलेबल है तो आपको इसको ले ही लेना चाहिए। अगर आपके घर में किसी का फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो बंदा ये फ़ोन यूज़ कर सकता है और वैसे भी अगर आप इस डिवाइस को यूज़ करें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आपको सब कुछ आज की डेट का ही मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। कितने सारे फीचर्स हैं जिसको देख के तो मैं हैरान ही हो गई हूँ कि सिर्फ 3600 रुपये में अगर कोई कंपनी हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कर सकती है तो बाकी कंपनीज को भी काफ़ी कुछ ऐड करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये डिवाइस और मेरे हिसाब से आप सब भी इसको खरीद लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट करें लाइक बटन, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।